डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल नंबर 30 जो कि बेस्ड है बेस थ्योरम पे। बेस थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने आपको पहले से करवा दी है। इस एग्जांपल में है, इन ए बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर्स रिस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल ऑफ देयर आउटपुट 5%, 4% एंड 2% आर डिफेक्टिव वोल्ट्स। ए वोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। एक फैक्ट्री है, उसमें तीन मशीन्स हैं ए बी और सी। मशीन ए जो है वो 25% प्रोडक्शन का टोटल बनाती है, मशीन बी जो है वो 35% और मशीन सी जो है वो 40% बनाती है। इनमें से मशीन ए में 5%, मशीन बी में 4% और मशीन सी जो है उसमें 2% जो बोल्ट्स हैं वो डिफेक्टिव होते हैं। ए वोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट। एक वोल्ट को निकाला गया टोटल प्रोडक्ट से और देखा गया कि वो डिफेक्टिव है। व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए बी एंड सी। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो बोल्ट निकाला गया है और वो डिफेक्टिव है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन ए ने बनाया है, बी ने बनाया है या सी ने बनाया है। हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, लेट E1, E2, E3 डिनोट रिस्पेक्टिवली द इवेंट दैट द सिलेक्टेड वोल्ट एट रैंडम इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। E1 डिनोट करेगा इवेंट को कि जो वोल्ट है वो मशीन ए ने बनाया है। E2 इवेंट है कि वोल्ट जो है मशीन बी ने बनाया है। और E3 जो है वो इवेंट है कि मशीन जो वोल्ट जो है मशीन सी ने बनाया है। फर्दर लेट ई डिनोट द इवेंट दैट इट इज़ डिफेक्टिव। अब ई क्या है, वो इवेंट है कि जो वोल्ट बना है जो ड्रा किया है वो डिफेक्टिव है। देन इट इज़ गिवन दैट, अब न्यू नोटेशंस में हम लिखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है। Probability of E1 is equal to 25 upon 100. Probability of E2 is equal to 35 upon 100. And probability of E3 is equal to 40 upon 100. Probability that the volt is defective and is selected from A1 is equal to 5/100. E given A1 defective volt जो है वो A1 से आया है। Probability of E given A2 कि वो machine B ने बनाया है 4/100. And probability that E given E3 is equal to 2/100. ठीक है, ये हमें दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक इसका बड़ा ही आसान और अच्छा तरीका है निकालने का। हम इसकी एक ट्री डायग्राम बनाएंगे। ट्री डायग्राम अगर आपको ये बनाना आ गया तो समझो मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसके ऊपर बेस थ्योरम के ऊपर आप निकाल सकते हो। ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं मैं भी आपको बताऊँगा। सपोज ये मशीन है, इसमें एक फैक्ट्री है, सॉरी एक फैक्ट्री है, इसमें मशीन एक है, दो है और तीन मशीन हैं। पहला E1 इवेंट, E2 E3। नो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दिस इज इक्वल टू 25/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 35/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 40/100। दिस इज इवेंट ई। प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव वोल्ट केम फ्रॉम E1 दैट इज मशीन ए इज इक्वल टू 5/100। सिमिलरली 4/100 एंड 2/100। मैं इसको टाइटल दूंगा इवेंट
E1 intersection E, E2 intersection E, E3 intersection E. प्रोबेबिलिटी क्या है इनकी? दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू दिस इनटू दिस 25/100. फाइव पॉन हंड्रेड दिस इज इक्वल टू 125 अपॉन दिस. थर्टी फाइव पॉन हंड्रेड इंटू 4/100 विच इज इक्वल टू 140 अपॉन 40/100 2/100 दिस इज इक्वल टू 80/1 टोटल. टोटल इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. इन सभी को ऐड करूंगा तो जो टोटल आएगा वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. ई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बुलेट 345 अपॉन 10,000. नो फ्रॉम दिस ट्री डायग्राम द प्रोबेबिलिटी दैट ए डिफेक्टिव बुलेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्री ए इज प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव बुलेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्री ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E. This is equal to probability of E1 given E. This is equal to probability of E1 intersection E, which is 120 upon 10,000 upon probability of E. This is 345 upon 10,000. Simple conditional probability definition लगाई मैंने. This is equal to 125 upon 10,000 डिवाइड बाय दिस, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा अपॉन 345 विच इज अगेन इक्वल टू 0.36. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E डिवाइड बाय probability of E. The probability of E2 intersection E is 140 upon 10,000 divided by 345 upon 10,000, which is equal to 140 upon 10,000. Iska reciprocal ho jayega. This is equal to 0.45. And probability of E3 given E, which is again equal to probability of E1 E3 intersection E 80 upon 10,000 divided by probability of E is equal to 80 upon इसका reciprocal हो जाएगा again equal to 0.23. तो इसी तरीके से आप बाकी वाले numericals जो हमने दिए हैं वो भी निकाल सकते हो. ठीक है, ओके बेटा.